आप सभी का स्वागत है सेशन में और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ करंट अफेयर्स 15 जुलाई 2021 के लिए। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है अरविंद शुक्ला और मैं आपको पढ़ाता हूँ जनरल अवेयरनेस बैंकिंग फाइनेंस, जहां पर मैं आपको कराता हूँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बैंकिंग एमसीक्यू, स्टैटिक जीके की क्लास, फाइनेंस की क्लास, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, सभी को कंबाइंड करके मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ, जिससे कि आप बैंक के एग्जाम को क्या कर पाए, क्वालिफाई कर पाए। और अनअकैडमी पर मेरा कोड है, अनअकैडमी पर मेरा कोड है ARS50। मेरा कोड क्या है? ARS50। तो अनअकैडमी पे आपको इस कोड को फॉलो करना है। किस कोड को? ARS50 कोड को फॉलो करना है। आप सभी को बता दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस कोड को। मेरा प्लस कोर्स जीत बैच चल रहा है RRB 2021 के लिए। किसके लिए? 2021 एग्जाम के लिए, जो मॉर्निंग 10 AM पर चलता है हमारे अनअकैडमी ऐप पर, मेरा प्लस कोर्स। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग। ये मेरे क्लास का शेड्यूल है, मॉर्निंग 8 AM पर मैं पढ़ाता हूँ लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। 10 AM पर चलती है मेरी प्लस क्लास लर्निंग ऐप के ऊपर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। 5 बजे मैं लर्निंग ऐप के ऊपर लेके आता हूँ फ्री स्पेशल क्लास, जहां पर मैं कराता हूँ जीए के इंपॉर्टेंट मॉक, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और RRB को टारगेट करके रखे गए हैं। और 8 PM पर डेली इवनिंग में मैं लेके आता हूँ आपके लिए बैंकिंग MCQ की क्लास। ठीक है, तो अनअकैडमी पर मेरा कोड है ARS50। आप सभी बता दें कि टॉप एजुकेटर्स के बैच कल से स्टार्ट हुए हैं, नए बैच स्टार्ट हुए। ये सभी बैच कैसे हैं? दीस All are the new batches. ये सभी नए batches start हो गए हैं, तो आप इन batches को join कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Join कर सकते हैं ये सभी नए batch, ठीक है? और अनअकैडमी ही क्यों? मैं अनअकैडमी के बारे में इसलिए कहता हूं कि दिस इज द बेस्ट। बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 30+ बैचेस एवरी मंथ आ रहे हैं, यानी आप कभी भी लेट नहीं हो रहे हैं, हर हफ्ते नए बैच आपको मिलेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 40,000 घंटों का रिकॉर्डेड कंटेंट है। 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं या आपको लगता है आपके दिमाग में सर ये वाला टॉपिक पहले हो जाता, तो आप वहां से एक आइडिया ले सकते हैं, जिससे आप अपने प्रैक्टिस सेट को, मॉक को, स्पीड टेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल है, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल है। 70+ एजुकेटर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद 70+ एजुकेटर्स आपकी सेवा में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और 98% कैंडिडेट्स का क्या है? फेथ है, विश्वास है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो भी और जो पढ़ रहे हैं वो भी, यानी उनके द्वारा दी गई रेटिंग है 98%। ठीक है, तो सबसे पहले मोनालिसा दास, प्रणाम, में प्रणाम दिशा जी, रिचा पॉल जी और संजू कैन जी, सभी का स्वागत है, वेलकम इन द सेशन, सभी का स्वागत है भाई। ठीक है, अब आपको बता दें आगे एक्सीलेटर बैच फॉर SBI क्लर्क 2021 कल ही से आया है नया बैच। So, strong lineup of batches जो 14 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, इन सभी बैचेस को आप एक बार देख सकते हैं और इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी एवरी संडे लेके आता है लाइव कॉम्बैट आपके लिए, जहां पर आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी एक्यूरेसी को जज कर सकते हैं, किस सेक्शन में और आपको ज्यादा काम करना है इसको भी आप पता कर सकते हैं। तो आप हमारे स्कॉलर, अब देखिए अगर आप हमारे लाइव कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप पूल प्राइज जीतने का भी क्या होगा? मौका होगा। सभी के पास मौका होगा, तो आप इस मौके का भी फायदा उठा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। 50 मिनट में 36 क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे, और ये जितना भी जो लाइव कॉम्बैट होता है ये बेस्ड होता है अपकमिंग एग्जाम के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है? अपकमिंग एग्जाम के ऊपर। ठीक है, तो प्रॉमिस ऑफर चल रहा है बैंक का। बैंक में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कौन सा ऑफर चल रहा है? प्रॉमिस ऑफर चल रहा है, और प्रॉमिस ऑफर के तहत 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 4 मंथ एडिशनल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर आप पूछेंगे 1 साल का सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट क्या है, तो 5,850 बिल्कुल लीस्ट अमाउंट है। क्या है? लीस्ट अमाउंट है। ठीक है, और यहां पर आपको बता दें यूज करना है आपको कोड ARS50। आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं, इस कोड का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि CET प्रिपरेशन ऑफर चल रहा है, जहां पर 21% कितने परसेंट? 21% आपके लिए ऑफ है, और प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो प्राइस बढ़े इसके पहले आप इस कोड का प्रयोग कर लीजिए और आप अपने लिए बेनिफिशियल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।
आरबीआई और बैंक नाबार्ड का एक इंट्रोडक्टरी ऑफर भी चल रहा है जहां पर आपको 75% ऑफ दिया जा रहा है। तो ये जुलाई के तीन ऑफर हैं जो बड़े मेगा ऑफर चल रहे हैं, इन मेगा ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि अगर आगे प्राइस बढ़ जाते हैं तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो 24 मंथ्स अगर आपको लगता है कि सही है तो आप ये ले सकते हैं, 12 मंथ सही लगता है तो 12 मंथ, 6 मंथ सही लगता है तो 6 मंथ, लेकिन आप हमेशा थोड़ा ज्यादा वाला लीजिए, इससे आपका कुछ जाएगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कोविड में अगर परीक्षाएं आगे पीछे होती हैं तो इसमें आपको कहीं भी सोचना और समझना नहीं पड़ेगा, आप अपनी तैयारी से जुड़े रहेंगे। आप किससे जुड़े रहेंगे? अपनी तैयारी से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। व्हाट विल गेट, वी यू विल गेट, अगर आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे, लाइव टेस्ट और क्वेजेस मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए लेट्स क्रैक, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। भाई सभी लोग आवाज साफ आ रही है? आवाज साफ आ रही है सभी को? एक बार देख के बता दीजिए प्लीज, आवाज साफ आ रही है? सभी लोग बता दीजिए प्लीज, आवाज साफ आ रही है? आवाज साफ आ रही है? यस, चलिए यस, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला करंट अफेयर की ताजी खबर, पहली ताजी खबर आपके सामने ये रही, पहली खबर आ चुकी है। देखिए पहली खबर क्या है कि आपको बताना है इसका सही आंसर, अगर आपने पढ़ी है तो आप बता सकते हैं। Recently, Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari has inaugurated and laid the foundation stone of 16 national highway project in which state? हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है? तो आपको बताना है कि जो 16 नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, ये किस स्टेट में किया जाएगा? क्यूट बॉय आयुष प्रजापति, दिशा जी सभी का स्वागत है, यस वेलकम। मोनालिसा मैम आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं? तो रिचा पॉल जी और मोनालिसा दास जी आप सभी का स्वागत है, वेलकम। चलिए आंसर दीजिए भाई, किस स्टेट में, किस स्टेट में अभी हाल ही में, किस स्टेट में नितिन गडकरी साहब ने 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? चलिए फटाफट बताना है। मणिपुर, इसका आंसर आया है मणिपुर, बिल्कुल सही है। दिशा जी, सोनम जी ने भी मणिपुर आंसर दिया, दिशा जी ने महाराष्ट्र आंसर दिया, पहले मणिपुर आंसर दिया था, ठीक है। आयुष प्रजापति जी ने भी ए आंसर दिया है और सोनम ने भी ए, तो ए इसका सही आंसर है, मणिपुर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है मणिपुर, बिल्कुल सही आंसर है। अभी हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी साहब। कौन है? नितिन गडकरी साहब, ठीक है। तो नितिन गडकरी साहब ने अभी हाल ही में जुलाई 2021 में मणिपुर में, कहां पर? मणिपुर, मणिपुर तो सभी ने सुना होगा, मणिपुर में कितने 16 नेशनल हाईवे, 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल और उद्घाटन कर दिया है, ठीक है, उद्घाटन कर दिया है। प्राची साहू जी भी आ गई हैं, गुड मॉर्निंग, और इन्होंने भी ए आंसर दे दिया, बिल्कुल सही, 100% सही आंसर है। परियोजना में जो टोटल लागत आ रही है, जो टोटल पैसा खर्च होगा वो होगा 4,148 करोड़, कितना होगा? 4,148 करोड़, 298 किलोमीटर का ये क्या होगा? राजमार्ग होगा, 298 किलोमीटर का राजमार्ग होगा। और आपको मणिपुर के बारे में अगर हम बता दें तो मणिपुर की जो राजधानी उसका नाम क्या है? इम्फाल। क्या नाम है? इम्फाल, ठीक है। मोनालिसा दास जी भी आ गई है, वेलकम मोनालिसा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। मणिपुर, केम्बुल, केम्बुल आंसर दे दिया, लामझाओ आंसर दे दिया, फ्लोटिंग एनपी और लोकटक लेक, ये सभी बता दिया इन्होंने, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मोनालिसा दास जी ने पहले ही बता दिया कि सर बताएंगे उसके पहले। नजमा हेब्दुल्ला जी यहाँ पर क्या है? गवर्नर है। एन बीरेन सिंह यहाँ पे क्या है? मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में बिल्कुल आंसर आ गया है मणिपुर में, केम्बुल, ठीक है। इसके बाद अगर हम केम्बुल के बात करें तो लामझाओ, इसके बाद अगर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, लामझाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और लोकटक झील ये कहां पाई जाती है? लोकटक झील भी मणिपुर में पाई जाती है और ये क्या है? नेशनल पार्क है। चलिए ठीक है, आपकी बात कंप्लीट, बिल्कुल वेल्डन, बहुत बढ़िया, देखो यही तैयारी का सही तरीका है, यही तैयारी का सही तरीका है, वेल्डन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट खबर पे आ गए हम लोग, नेक्स्ट खबर हमारी आ गई है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च अ कैंपेन कॉल्ड मातृ कवचम टू प्रोवाइड कोविड 19 वैक्सीन टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन द स्टेट। कौन सी राज्य सरकार राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड 19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए मातृ कवचम नामक
अभियान को शुरू करने जा रही है, आपको उस स्टेट का नाम बताना है। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आंसर दिया है केरला, सबसे पहले आंसर आया सोनम का केरला, तो केरला आंसर दिया। और आज की आपको ताजा खबर बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि यस्टरडे 30 लाख केस आए हैं पूरे विश्व में, किसके, कोविड 19 के 30 लाख, यानी कोविड 19 की रफ्तार फिर से बढ़ रही है। टीएन वर्मा जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। और मतरु कबचम केरला, सभी ने सी आंसर दिया है केरला, तो इसका सही आंसर केरला है। बिल्कुल सही आंसर है केरला, वेल डन, क्या बात है, केरला इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मथुरु कबचम जो कोविड-19 के लिए स्कीम है वो कहां पर स्टार्ट की गई है, केरला में। देखिए अब आपको बता दे केरला के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर का नाम है वीना जॉर्ज, क्या नाम है, वीना जॉर्ज हेल्थ मिनिस्टर है। और इन्होंने केरला गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया है, क्या किया अनाउंस, मथुरु कबचम, किसको अनाउंस किया, मथुरु कबचम जो स्कीम है इसको अभी हाल ही में अनाउंस किया है केरला में। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी कोविड-19 से प्रभावित महिलाओं को स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ सकती है, और इसीलिए इनका खतरा ना बढ़े और जो बच्चा होता है पेट में वो प्रभावित ना हो, इसके लिए यहां पर कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है केरला। केरला इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अब केरला के बारे में बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, सभी को पता है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, बिल्कुल सही पता है। पिनारई विजयन साहब यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। केरल में कुछ और योजनाएं भी चल रही हैं। पहली योजना की बात करें तो इसका नाम है परिवर्तनम योजना, कौन सी योजना चल रही है, परिवर्तनम योजना। और दूसरी विजयामृतम योजना, विजयामृतम और सहचारी योजना, स्मार्ट किचन योजना भी कहां पे स्टार्ट की गई है, केरला में। कहां पे स्टार्ट की गई है, केरला में। केरला में जो नेशनल पार्क उसका नाम है पेरियार, क्या नाम है, पेरियार नेशनल पार्क, कौन सा, पेरियार नेशनल पार्क। और साइलेंट वैली, कौन सा है, साइलेंट वैली, बिल्कुल सही, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही है। ये दोनों नेशनल पार्क कहां पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर मोनालिसा जी और सोनम जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और आपको बता दें जेंडर पार्क कहां पर स्थापित किया गया, जेंडर पार्क स्थापित किया गया केरला में। वन स्कूल वन आईएस स्कीम कहां पर स्टार्ट की गई है, केरला में। कहां पर स्टार्ट की गई है, केरला में। लेबर म्यूजियम कहां पर खोला गया है, लेबर म्यूजियम कहां पर खोला गया, केरला में। ठीक है, तो ये थी ताजा खबर केरला से, जो अपडेटेड केरला की बात में। हाँ, क्या लिखा, केरला फोक डांस, कलिकट्टम, कृष्णाट्टम, कथकली, सबसे इंपॉर्टेंट है कथकली, कौन सा है, कथकली सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कथकली। ठीक है, बिल्कुल सही, कथकली को सबसे ज्यादा, मोहिनी अट्टम, चलिए मोहिनी अट्टम, ये दोनों क्या है, फोक डांस है। ठीक है, यस, फोक डांस, केरला मोहिनी अट्टम, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये रही, यशपाल शर्मा साहब अभी हाल ही में इनका निधन हो गया हार्ट अटैक से। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यशपाल शर्मा जी किस खेल से संबंधित हैं, या इनमें से किससे संबंधित हैं। यशपाल शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थे, चलिए फटाफट बताना, एक प्रसिद्ध क्या थे, फटाफट सभी को बताना है, फुटबॉलर, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट या राइटर। क्रिकेटर, टीएन वर्मा जी ने भी बी आंसर दे दिया, और सुभादीप ने भी कह दिया व्हेन योर प्लस क्लास अकर्ड, मेरा 10 AM पर ये क्लास होती है, 10 AM पर क्लास होती है, 10 AM पर प्लस कोर्स मेरा 10 AM पर चल रहा है, और इस समय मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 1983 वर्ल्ड कप के मेंबर थे, क्या नाम था, क्रिकेटर, बिल्कुल सही, रिचा पॉल, मोनालिसा दास सभी ने आंसर दे दिया है, और सही आंसर है क्रिकेटर, क्या है सही आंसर, क्रिकेटर इज द राइट आंसर। तो आपको बता दें 1983 वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था, जिसमें कपिल देव का नाम सबसे ऊपर था, तो 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य जिनका नाम क्या था, यशपाल शर्मा। अगर आप NDTV नहीं, आप अगर इंडिया टीवी देखते हैं तो इंडिया टीवी पे क्रिकेट एक्सपर्ट बन के आते थे यशपाल शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो यशपाल शर्मा साहब का 66 साल की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया है, क्या हो गया, निधन हो गया है,
निधन हो गया है, ठीक है। अब आपको बता दें कि द फॉर्मर इंडियन बैट्समैन हैज मेड ओडीआई डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1978। सेवानिवृत्ति के बाद यशपाल शर्मा क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट भारतीय क्रिकेट बोर्ड, पंजाब और हरियाणा क्रिकेट के साथ विभिन्न भूमिकाओं में शामिल थे। तो ये क्रिकेटर थे जिनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, और इनका नाम था यशपाल शर्मा। क्या नाम था? यशपाल शर्मा। चलिए अगली खबर आपके सामने ये आ गई है, पर्यावरण और श्रम मंत्री। अभी देखो आपको पर्यावरण और श्रम मंत्री नए व्यक्ति बना दिया गया, इनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव को विभिन्न कैबिनेट समितियों में फेरबदल के बाद किस कैबिनेट समिति में शामिल किया गया है? एनवायरमेंट एंड लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह यादव हैव बीन इंक्लूडेड इन विच कैबिनेट कमिटी आफ्टर रीशफलिंग डिफरेंट कैबिनेट कमिटी। चलिए अब आपको बताना किस कैबिनेट कमिटी में इनको शामिल किया गया है। तो भूपेंद्र यादव की बात यहाँ पे हो रही है, किसकी बात हो रही है? भूपेंद्र यादव की। चलिए पहला ऑप्शन है कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। विजय हजारे ट्रॉफी कहाँ पे रिलेटेड है? क्रिकेट से रानी झांसी ट्रॉफी, क्रिकेट से सी के नायडू ट्रॉफी, क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी, क्रिकेट से और रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट से। बिल्कुल सही है, ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से हैं एंड इनके नाम एक भी बार जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड नहीं है। टी एन वर्मा साहब ने लिखा, वेल डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मोनालिसा जी ने कह दिया है इसके, सोनम जी ने डी आंसर दिया है, दिशा जी ने सी आंसर दिया है। चलिए तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, इसका सही आंसर है ए। इन्हें अभी हाल ही में कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में इंक्लूड किया गया है। किसमें शामिल किया गया? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हाल ही में किए गए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभिन्न कैबिनेट समितियों में फेरबदल किया है। नए बदलावों में पर्यावरण और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनवाल, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में शामिल किया गया है, ठीक है। तो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में इन्हें सभी को शामिल किया गया है, ठीक है। एनवायरमेंट एंड लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप सभी को बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हाल ही में किए गए केंद्रीय जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसके बाद जो श्रम मंत्री और पर्यावरण मंत्री, इनका नाम क्या? भूपेंद्र यादव। इनको कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। तो पर्यावरण और श्रम मंत्री बना दिए गए हैं भूपेंद्र यादव, बिल्कुल सही है, भूपेंद्र यादव बना दिए गए। तो पर्यावरण मंत्री इसके पहले कौन थे? इसके पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? चलिए बताइए इसके पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? कौन थे इसके पहले पर्यावरण मंत्री? ये आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देना है। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका फटाफट आंसर देना है। चलिए विच बैट्समैन हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन हिस्ट्री टू स्कोर 14,000 रन इन टी20? कौन सा बल्लेबाज टी20 में 14,000 रन बनाने वाला इतिहास का पहला बल्लेबाज बन गया है? चलिए यस, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है, बिल्कुल सही है, सिविल एविएशन। चलिए अगला आ गया, लाइक और शेयर करते जाइएगा, लाइक और शेयर मत भूलिएगा आप सभी लोग। कौन सा बल्लेबाज टी20 में 14,000 रन बनाने वाला इतिहास का पहला बल्लेबाज बन गया है? पहला बल्लेबाज बन गया। और यहां पर देखिए आंसर दे दिया टीएन वर्मा जी ने ए, सोनम जी ने कहा है क्रिस, ई आंसर दे दिया क्यूट बॉय आयुष प्रजापति ने भी ई आंसर दिया, मोनालिसा दास ने रॉस टेलर का नाम लिया, दिशा ने ई आंसर लिया, रिचा पॉल ने सी आंसर लिया है। तो इसका सही आंसर है ई, क्रिस गेल। सही आंसर क्रिस गेल है। क्रिस गेल पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टी20 में 14,000 रन बना दिए हैं, ठीक है। तो 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर, पहले प्लेयर बन गए हैं कौन? क्रिस गेल। कौन बन गए हैं? क्रिस गेल। तो क्रिस गेल टी20 में 14,000 रन बनाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टी20 के दौरान ऐतिहासिक उपलब्धि मिली जब यूनिवर्स बॉस ने कैरिबियाई पक्ष में 6 विकेट का आसान जीत ले लिया, ठीक है। तो आपको सभी को बता दें कि अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ जो टी20 मैच चला है
उस T20 मैच में, ठीक है, उस T20 मैच में इन्होंने 14,000 रन पूरे कर लिए अपने, क्या कर लिए, 14,000 रन पूरे कर लिए हैं। यूनिवर्स बॉस ने ये मैच जिता दिया वेस्ट इंडीज को, ठीक है। अब टॉप 5 प्लेयर्स को भी हम देख सकते हैं जिनके T20 में रन है। नंबर 1 पर सबसे ज्यादा रन किसके हैं, क्रिस गेल के। फिर कौन आता है 10,838 के साथ, कैरन पोलार्ड, ठीक है। फिर आते हैं शोएब मलिक 10,741 रन, फिर डी ए वार्नर आते हैं 10,017 रन, और फिर विराट कोहली आते हैं 9,992 रन। समझ गए बात, यस 9,992 विराट कोहली, बिल्कुल सही है। तो आपके सामने भी है, आपके सामने, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगली खबर आपके सामने ये रही, आप सभी को करंट अफेयर्स मिल जाता है ना, चलिए अगली खबर ये रही, ये रही अगली खबर, हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट गोल्ड स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ द यूरो फाइनल्स। आपने देखा होगा यूरो कप फाइनल अभी हाल ही में खेला गया, ठीक है, और यूरो कप किसने जीता, इटली ने जीता। अब इसी से एक खबर आई है, यूरो फाइनल के इतिहास में सबसे उम्र दराज गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, सबसे उम्र दराज गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, फटाफट बताइए, सबसे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति जिन्होंने गोल दाग दिया फाइनल में, उनका नाम क्या है यूरो के इतिहास में, चलिए यूरो के इतिहास में, यूरो कप फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने गोल दाग दिया है उनका नाम क्या है, चलिए फटाफट बताना है आंसर। सबसे पहला ऑप्शन, सभी को बताना है फटाफट, सभी को बताना है जियोर्जियो चिलिनी, लियोनार्डो बोनुची, फेडरिको फेडरिको चीसा, एलेसनार्डो फ्लोरेंजी। चलिए आंसर देना, स्किप कर दिया इसको, इसका सही आंसर है बी, लियोनार्डो बोनुची, लियोनार्डो बोनुची इज द राइट आंसर, लियोनार्डो बोनुची इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप सभी को बता दें, इटली, इटली के, इटली टीम में एक व्यक्ति खेलते हैं, इटली में एक व्यक्ति खेलते हैं जिनका नाम है सेंटर बैक। सेंटर बैक जानते हैं, सेंटर बैक क्या होता है, सेंटर बैक होता है जो यहां पर खेल रहा होता है डिफेंस के साथ, सेंटर बैक, ठीक है। तो सेंटर बैक प्लेयर है जिनका नाम है लियोनार्डो बोनुची, क्या नाम है, लियोनार्डो बोनुची, लियोनार्डो बोनुची, ठीक है, लियोनार्डो बोनुची बिकम द ओल्डेस्ट गोल्ड स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ यूरो फाइनल्स। तो यूरो कप के फाइनल में सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति जिन्होंने गोल दागा उनका नाम है लियोनार्डो बोनुची, ठीक है। उन्होंने वेम्बली स्टेडियम में यूरो यूरो 2020 फाइनल मैच में किसके खिलाफ हो रहा था, इंग्लैंड और किसके खिलाफ हो रहा था, इंग्लैंड और इटली के बीच में हो रहा था, और यहां पर इन्होंने गोल दागा जहां पर इटली ने मैच जीता 3-2 से, किससे जीता, 3-2 से ऑन पेनल्टीज। तो उन्होंने वेम्बली स्टेडियम में यूरो 2020 फाइनल में इंग्लैंड और इटली के संघर्ष के दौरान यह उपलब्धि हासिल की, जिसे इटली ने पेनल्टी पर 3-2 से जीता है, पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से जीता है। चलिए हमने बता दिया लियोनार्डो बोनुची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट खबर आपके सामने आ चुकी है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बांग्लादेश क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट फॉर्मेट। बांग्लादेश के निम्न में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए बांग्लादेश के उस प्लेयर का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए फटाफट बताइए, बिल्कुल सही सोनम जी, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर क्यूट बॉय, चलिए आंसर आया नहीं, आंसर फटाफट, और सभी लोग लाइक करते जाइएगा भाई, लाइक करते जाइएगा। देखिए लाइक नहीं किया आप लोगों ने, अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी ने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक करते जाइए, लाइक नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लिया अभी हाल ही में। अब देखिए आंसर आना शुरू हो गए हैं, और सभी ने महमदुल्ला आंसर दे दिया है, ए आंसर दे दिया है, ए आंसर दे दिया, और ए आंसर दे दिया, सभी ने ए आंसर दे दिया है, वेल्डन, क्या बात है। देखिए तो इसका सही आंसर ए ही है, महमदुल्ला इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर, बांग्लादेश के ऑलराउंडर, क्या नाम है बांग्लादेश के ऑलराउंडर का, बांग्लादेश के ऑलराउंडर महमदुल्ला है सडनली डिसाइडेड टू रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट, और इन्होंने क्या किया है, सडनली यानी अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। ही इज करंटली प्लेइंग अ टेस्ट मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन हरारे। ये अभी वर्तमान में जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या खेल रहे थे, टेस्ट मैच खेल रहे हैं हरारे में, ठीक है। और ही हैज सो फार स्कोर
1940 रन इन टेस्ट क्रिकेट। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2914 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में इनके नाम 5 शतक 16 अर्धशतक दर्ज हैं, ठीक है, 43 विकेट भी लिए हैं। ठीक, अब बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है? टका। शेख हसीना यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री। और अब्दुल हामिद यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश संप्रति एंड बंगबंधु एक्सरसाइज विद इंडिया, संप्रति और बंगबंधु कहाँ पे हुई है? इंडिया के साथ हुई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और सपना कुमारी मैम भी आ गई है, तो वेलकम सपना मैम, आपका स्वागत है। चलिए वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बहरीन, हु हैज सिलेक्टेड फॉर द बहरीन केरलीय समाज लिटरेचरी अवार्ड 2021। बहरीन केरलीय समाज के 2021 के साहित्य पुरस्कार के लिए इनमें से किसे चुना गया है? चलिए, किसे चुना गया ये आपको बताना है। चलिए फटाफट, बहरीन केरलीय समाज के 2021 के साहित्य पुरस्कार के लिए इनमें से किसे चुना गया है? हु, अब किसको ये अवार्ड दिया गया ऐसे समझ लीजिए, किसको ये अवार्ड दिया गया है? ठीक है, वासुदेवन नायर, ई जे कनम, चेरुकाट, ओम चेरी, एन एन पिल्लई और कक्कनाडन, कक्कनाडन। चलिए फटाफट आंसर आपके सामने ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, एन एन पिल्लई। बिल्कुल सही सोनम, वेल डन, बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर, एन एन पिल्लई इज द राइट आंसर, ओम चेरी एन एन पिल्लई इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आपको बता दें, पत्रकार जर्नलिस्ट माने क्या होता? पत्रकार। प्ले राइटर माने क्या होता? नाटककार। क्या होता? नाटककार। ओम चेरी एन एन पिल्लई हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बहरीन केरलीय समाजम लिटरेसी अवार्ड फॉर 2021। ठीक है, तो केरलीय समाज, बहरीन केरलीय समाज के साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए इनको चुना गया है। बीकेएस के अध्यक्ष पी बी राधा कृष्ण पिल्लई, महासचिव वर्गिस कराकल और साहित्य शाखा के सचिव फिरोज थिरुवथरा ने पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है किसको? एन एन पिल्लई साहब को। किसको दिया गया? एन एन पिल्लई, एन एन पिल्लई साहब को दिया गया। बिल्कुल सही, एन एन पिल्लई साहब को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विद विच नेवर नेबरिंग कंट्री, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अपने रेल सेवा समझौते को संशोधित करने के लिए विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किए? विद विच नेबरिंग कंट्री इंडिया है साइन अ लेटर ऑफ एक्सचेंज टू रिवाइज देयर रेल सर्विस एग्रीमेंट। तो भारत ने अभी हाल ही में किसके साथ अपना रेल सर्विस एग्रीमेंट रिवाइज किया है? भूटान के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ या म्यांमार के साथ? तो भारत ने, यस, एन एन पिल्ले इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट 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 सभी को बताना है कि भारत ने अभी हाल ही में, रिचा पॉल जी ने ये आंसर दिया भूटान, भारत ने किस देश के साथ अपना रेलवे रेल सर्विस एग्रीमेंट को क्या किया? रिवाइज किया है। ये आप सभी को बताना है फटाफट। चलिए, तो आप सभी को बता दें यहां पर ए आंसर आ गया रिचा मैम के द्वारा, प्लीज ज्वाइन द लिंक। ओके ओके, चलिए फटाफट फटाफट, क्यूट बॉय आयुष प्रजापति ने ए आंसर दिया भूटान, वेल डन, बहुत बढ़िया। दिशा मैम आंसर, सोनम जी आंसर, मोनालिसा जी आंसर, सोनम मैम ने कहा ए या बी होगा। चलिए, दिशा मैम ने कहा ए होगा, इसका सही आंसर होगा बी, नेपाल इज द राइट आंसर। सही आंसर नेपाल है। ठीक है, सही आंसर क्या है? नेपाल है। नेपाल के साथ अभी भारत ने अपना क्या किया है? रेल सर्विस, क्या है? रेल सर्विसेज एग्रीमेंट को क्या किया है? रिवाइज किया है। क्या किया है? एग्रीमेंट को क्या किया है? रिवाइज किया है। ठीक है, तो सही आंसर है नेपाल, नेपाल इज द राइट आंसर। सही आंसर नेपाल है। भारत और नेपाल के, भारत और नेपाल ने 2004 के, कब हुआ था? 2004 के भारत नेपाल रेल सेवा समझौता, इंडिया नेपाल रेल सर्विसेज एग्रीमेंट को रिवाइज किया है। क्या किया है? रिवाइज किया है इस एग्रीमेंट को। द रिवाइज एग्रीमेंट अलाउड टू ऑथराइज कार्गो ट्रेन ऑपरेटर्स टू यूटिलाइज द इंडियन रेलवे नेटवर्क टू कैरी नेपाल कंटेनर्स एंड अदर फ्राइट बोथ बायलिटरल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल और थर्ड कंट्रीज फॉर द इंडिया पोर्ट्स और टू द नेपाल। देखिए, संशोधित समझौते के अनुसार अधिकृत कार्गो ट्रेन ऑपरेटरों को नेपाल के कंटेनर और अन्य माल को भारत और नेपाल या तीसरे देशों के बीच भारतीय बंदरगाहों से नेपाल तक ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो जो कंटेनर है उनको पहुंचाया जाएगा, जो कंटेनर है उनको पहुंचाया जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? जिसमें सर क्वेश्चन के 30 मिनट डिस्कशन करेंगे।
ओके, चलिए चलिए सभी लोग, आपको जो भी क्वेरीज होंगी आप इस पे हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है? आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, 30 मिनट्स हम सभी लोग देंगे जहां पर जनरल अवेयरनेस को हम तैयार करेंगे बैंकिंग के साथ। चलिए आपको बता दें नेपाल के बारे में, प्रधानमंत्री नेपाल कौन, प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए नेपाल के, पहले केपी शर्मा ओली थे, अब इनकी जगह पे आ गए शेर बहादुर देउबा। इनको 12 जुलाई को किसने, सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है। राजधानी काठमांडू है, करेंसी रुपया है, और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी है। और रेलवे के महानिदेशक कौन है नेपाल में, दीपक कुमार भट्टाराई, दीपक कुमार भट्टाराई, ठीक है? तो ये है नेपाल के बारे में। तो नेपाल के साथ भारत ने भी हाल ही में क्या किया, अपना एग्रीमेंट रिवाइज कर दिया गया, ठीक है? रिवाइज कर दिया है, क्या कर दिया, रिवाइज। लिंक नहीं आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बुक टाइटल एज द स्ट्रगल विद इन, द स्ट्रगल विद इन मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, द स्ट्रगल विद इन मेमोयर ऑफ इमरजेंसी किसके द्वारा लिखी गई है किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है किताब है। चलिए और यहां पर आंसर देना शुरू कर दिया है, सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया है, गुड, क्या बात है। क्यूट बॉय ने ए आंसर दिया, सोनम ने ए आंसर दिया, वेल डन, बिल्कुल सही है, अशोक चक्रवर्ती इज द राइट आंसर। अशोक चक्रवर्ती की किताब है और इस किताब का नाम क्या है, इस किताब का नाम है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। और इनके बारे में बता दें, ये वर्तमान में हरारे स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं। He is a currently senior economic advisor to the government of Zimbabwe, ठीक है, जिम्बाब्वे के जो वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं, ठीक है। और आपको बता दें यह पुस्तक आपातकाल की अवधि के दौरान स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटों में से एक से संबंधित है, ठीक है। अब आपको कुछ और किताब के बारे में बता दें, पहली किताब, एक्स्ट्रा किताबें भी है इसमें मैंने लिख के लाई है, रोनी स्क्रू वाला ने किताब लिखी स्किल इट किल इट, किसकी है, रोनी स्क्रू वाला की है। अमृत सेन साहब की किताब है होम इन द वर्ल्ड, एक किताब आई है होम इन द वर्ल्ड, किसकी है, अमृत सेन साहब की, इनको अभी अवार्ड भी मिला है। काजल सूरी ने किताब लिखी है हब्बा खातून, क्या लिखी है, हब्बा खातून, माई लाइफ माई मिशन बुक बाय बाबा रामदेव, यस, माई लाइफ माई मिशन, बिल्कुल सही है, माई मिशन किसके द्वारा लिखी गई है, बाबा रामदेव की किताब है, किसकी है, बाबा रामदेव, बिल्कुल सही है, बाबा रामदेव, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, अगली खबर आपके सामने ये रही, अगली खबर क्या कहती है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव, आपने देखा होगा एक बीमारी होती है जहां पर आपने देखा होगा कि पैर सूज जाता है बहुत बड़ा, कि उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है, और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ ड्रग कैंपेन टू इरेडिकेट लिम्फेटिक फिलेरासिस एंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट in the country to resume the this drug campaign after the second wave of COVID-19. चलिए फटाफट आंसर देना है, कौन सा राज्य है जिसने ये फिर से स्टार्ट कर दिया। और यहां पर सोनम ने सबसे पहले सी आंसर दिया है, प्रजापति जी ने भी सी आंसर दिया है, सोनम ने सी और दिशा जी ने कहा है महाराष्ट्र, ठीक है, क्यूट बॉय महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र ही है, बिल्कुल सही है। हाथी पाओ आपने देखा होगा किसी किसी का एक पैर बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी को बता दें कि रिसेंटली आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए दवा अभियान शुरू किया है, यानी जो ड्रग कैंपेन है वो फिर से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री रिज्यूम दिस ड्रग कैंपेन आफ्टर कोविड-19 सेकेंड वेव, ओके। अब देखिए एलिफेंटिसिस, ठीक है, जो हाथी पांव होता है जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक अच्छा सक्षम करने वाली बीमारी है, ठीक है। तो इस बीमारी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बिल्कुल सही आंसर दिया महाराष्ट्र।
अब महाराष्ट्र के बारे में आपको बता दें, महाराष्ट्र के बारे में सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लेटिना कहां पे चल रहा है महाराष्ट्र में, महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र में, महापरवाना योजना कहां चल रही है महाराष्ट्र में, साइबर सेफ वुमन इनिशिएटिव कहां पे चल रहा है महाराष्ट्र में, सिर्फ भोजन भी कहां पे चल रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है रिहू जी, गुड मॉर्निंग आपका स्वागत है। इट माई वे बाय सचिन तेंदुलकर बुक, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल्डन बहुत बढ़िया सोनम, बहुत बढ़िया। चलिए पोलैंड का नाम सुना होगा। भारत की अगली राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे बनाया गया? नगमा मलिक। तो सही आंसर क्या होगा? बी, नगमा मलिक। नगमा मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द पोलैंड। ठीक है नगमा मलिक को पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है। 1991 बैच की ये क्या है? आईएफएस है। क्या है? इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर है, आईएफएस है, और इन्हें अभी विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर रखा गया था और अब इन्हें पोलैंड भेजा जा रहा है। कहां पे भेजा जा रहा है? पोलैंड भेजा जा रहा है, ठीक है, राजदूत बनाकर। चलिए अगली खबर आपके लिए, एक और किताब आपके लिए चर्चा में है, लॉन्च बुक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी किसने लिखी है? हु रॉट द लॉन्च बुक द रामायण ऑफ श्री गोविंद गुरु गोविंद जी। चलिए फटाफट, महाराष्ट्र का फोक डांस है लाउडी, बिल्कुल सही है, और नटका बिल्कुल सही है, तमाशा भी है, बिल्कुल सही है। रिहू जी ने बी आंसर दे दिया, जगजीत सिन्हा। चलिए और यहाँ सोनम ने भी बी आंसर दिया, सपना कुमारी ने भी बी आंसर दिया। द लॉन्च बुक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट बताना किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है बलजीत कौर। क्या है सही आंसर? बलजीत कौर की ये किताब है। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी सीमा बलजीत कौर द्वारा लिखित पुस्तक द रामायण ऑफ द श्री गुरु गोविंद जी का विमोचन किया गया है। ठीक है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी पुस्तक को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने केटीएस तुलसी द्वारा गुरवनी शबद गायन का ऑडियो भी रिलीज किया है। ठीक है तो मुकेश बैंकर जी भी आ गए हैं और इन्होंने ए आंसर दिया है। वेल डन, बहुत बढ़िया। सपना कुमारी ने भी ए आंसर दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है, ए इज द राइट आंसर, बलजीत कौर। क्या है सही आंसर? बलजीत कौर। चलिए अब आपको बताना है, फिर से देखिए, किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्ला ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? अभी आपको दो मिनट पहले ही पढ़ाया है। विच कंट्रीज प्लेयर महमूदुल्ला अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लिया है महमूदुल्ला ने, वो किस देश के हैं? चलिए महमूदुल्ला साहब किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट, बी बिल्कुल सही है बांग्लादेश, बिल्कुल सही, मैंने अभी पढ़ाया था आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे, किसके बीच में? जिम्बाब्वे के बीच में क्या चल रहा है? टेस्ट मैच चल रहा है और वहीं पे इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसने विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता है? विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? चलिए फटाफट बताइए, विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द विंबलडन मैन सिंगल टाइटल? विंबलडन मैन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? चलिए फटाफट बताना है, विंबलडन मैन सिंगल्स टाइटल किसके द्वारा जीता गया? सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, विंबलडन किसने जीता है? अब देखिए यहां पर अभी तक आंसर नहीं आया, फटाफट आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ा जाए, फटाफट आंसर दीजिए भाई दोस्तों। तो इसका सही आंसर है सी, नवाक जोकोविच। किसने जीता है? नवाक जोकोविच ने। किसने जीता है विंबलडन 2021? विंबलडन पुरुष एकल 2021 किसने जीता है? 2021 का खिताब नवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नवाक जोकोविच। तो आप सभी को बता दें, नवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 के फाइनल में इटली के खिलाड़ी मेटियो वेरिटिनो को हराकर पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि विंबलडन पुरुष एकल में उप विजेता मेटियो वेरिटिनी रहे। देखिए आपको बता दें, इटली इस समय खेल में आगे बहुत बढ़ रहा है। मैटियो वेरेटिनी किस खेल से संबंधित है? पहले आप टिक लगाओगे टेनिस से संबंधित है, और इसके बाद आप देश बताओगे इटली। क्या बताओगे? इटली, ठीक है याद रखिएगा। और महिला का खिताब किसने जीता? एस्ले वर्टी ने जीता। विंबलडन पुरुष युगल का खिताब निकोला मैक्टिक और मैट पाविक ने जीता, जबकि महिला युगल
हसी सुवेई और एलिस मर्सेंट ने जीता है, ठीक है। तो ये पूरी खबर है जो इसके बारे में, किसके बारे में, विंबलडन के बारे में, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था बनर्जी जी का नाम, बनर्जी ने क्या जीता है, उन्होंने युवा वाला जीता है, ठीक है। तो हु हैज रिजाइन द एज द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ पेटीएम कंपनी, चलिए पेटीएम कंपनी के, पेटीएम कंपनी के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा किसने दिया है, प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा किसने दिया है, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए, पेटीएम कंपनी के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा किसने दे दिया है, फटाफट। अभी आपने सुना होगा पेटीएम के बारे में, पेटीएम के बारे में सभी ने सुना होगा। तो आपको बताना पेटीएम के जो प्रेसिडेंट थे उनमें से एक व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया, उनका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है मनीष गोयल, अमित नायर, सुभाष सिद्धे और नन ऑफ दीज, चलिए फटाफट आंसर देना है। और यहां पर देखिए एसले वर्टी, सोनम बिल्कुल सही आंसर है, एसले वर्टी इज द राइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो पेटीएम के प्रेसिडेंट पद से अभी हाल ही में इस्तीफा किसने दिया है, फटाफट चलिए। तो यहां पर आंसर मुकेश बैंकर ने ए दिया है मनीष, और बी दिया है सोनम गुर्जर ने, तो सही आंसर बी है अमित नायर, बिल्कुल सही आंसर है अमित नायर, अमित नायर साहब ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम के प्रेसिडेंट पद से अमित नायर साहब ने, किसने, अमित नायर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के प्रेसिडेंट अमित नायर के साथ चीफ एचआर रोहित ठाकुर, मार्केटिंग हेड करण सिंह ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। पेटीएम के संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा, कौन थे संस्थापक पेटीएम के, कौन है, विजय शेखर शर्मा। इसकी स्थापना कब की गई, 2009 में, और पेटीएम का मुख्यालय कहां पर है, नोएडा में, पेटीएम का मुख्यालय कहां पर है, नोएडा में, ठीक है। तो ये थी आज की सभी ताजा खबरें जो मैं आपके लिए लेके आया था। और आप सभी को बता दें, आपको अगर हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ने हैं, एक से ज्यादा फैकल्टी से पढ़ने हैं, अगर आपको अपडेटेड एमसीक्यूज चाहिए, तो इस सभी को अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे तौलें तो सबसे ज्यादा बेस्ट फैकल्टी कौन देता, अनअकैडमी, ठीक। और अनअकैडमी की प्लस सेवा को आप भी गेन कर सकते हैं, और इसमें डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड, और मेरा कोड है ARS50, यहां पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आपको सेशन में कुछ भी इनएप्रोप्रिएट लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपको मिलेगा Amazon गिफ्ट बाउचर, ठीक है। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करेंगे, हमारे लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को YouTube पर भी करिए और टेलीग्राम पे भी करिए। तो थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद। और आपके सर का कोड है ARS50, इस कोड को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, अनअकैडमी पे हमें फॉलो जरूर करिए, अरविंद शुक्ला नाम से हम आपको मिलेंगे, अरविंद शुक्ला 831। सो थैंक यू वेरी मच।